जैसा कि आप देख रहे हैं, बैटरी जो है वो जवाब दे गई है। इज अबाउट टू डेड इट हैड बैटरी, अल्लाह हाफिज़ कह रही है। नई बैटरी आ रही है, बैटरी शॉप पे खड़े हुए बैटरी लगवाते हैं, फिर चलते हैं जी आगे। अस्सलामुअलैकुम जी बॉयज़, तो क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यार बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, इसका रीज़न बस रमज़ान आ गया था, उसके बाद थोड़ा बिजी हो गया था। अभी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी ब्लॉग्स जो है वो आपकी तरफ पहुँचा सकूँ मैं, मतलब कि कोशिश यही होगी कि और ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊं, क्योंकि सीन ये होता है कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है और धूप की शिद्दत अभी भी 43 टेम्परेचर है। खैर हम अभी जा रहे हैं जी टायर शॉप, आपने देख लिए होंगे टायर्स जो है वो चेंज करवाने हैं। अभी जो टायर प्रोफाइल लगी हुई है वो है 225/45/17, जिससे मेरे फेंडर का काफ़ी हालत ख़राब हो रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। बाकी अभी मैं इस पे लगा रहा हूँ 215/45/17, उससे प्रोफाइल भी ज़रा हो जाएगी, रिम भी ज़रा बाहर आ जाएगा, उससे ज़्यादा प्यारा लगेगा। खैर अभी शॉप पे पहुँचे, उतरवाते हैं इनको, टायर्स को चेंज करवाते हैं, बैलेंसिंग करवाते हैं, चले चलते हैं। ये जो टायर है 215/45/17, ये जो टायर्स लगे हुए हैं ये है 225/45/17। फेंडर की माँ बहन का इसका है जी, ये फेंडर के रगड़े दे रहे हैं जिस वजह से हम इसे करवा रहे हैं जी चेंज। दो रिमों पर टायर जो है वो चढ़ के अभी हो रहे हैं बैलेंस करवा के इनको फिट करवाते हैं, फिर चलते हैं। गाड़ी की हालत ख़राब है, वॉश करवाते हैं गाड़ी को, गाड़ी को वॉश करवा के फिर चलते हैं जी वर्कशॉप। वर्कशॉप जाना है, वर्कशॉप क्यों जाना है? क्योंकि इसका पेंट रिफ्रेश करवाना है, बहुत ख़राब हो गया है। अभी पेंट करवाया था लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गया। ये जाके रिफ्रेश करवाते हैं रिम को, उसके बाद देखते हैं जी क्या करना है। तो जी एक घंटे के बाद हमारे टायर जो है वो चेंज हो चुके हैं, उसके व्हील कप्स भी मैंने चेंज कर दिए हैं। अभी रह गए ये फ्रेश होने वाले बस, बाकी इसका काम कंप्लीट हो चुका है। टायर प्रोफाइल छोटी करने से गाड़ी ड्रॉप हो गई और ज़्यादा। निकलते हैं जी वॉश करवाने, गाड़ी वॉश करवाते हैं, फिर देखते हैं जी वर्कशॉप जाने का टाइम है या सुबह। माशाल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह।
हमारी जो है वो वॉश हो गई है और साफ सुथरी गाड़ी का आपको पता है चलाने का मजा ही कुछ और। अच्छा अभी कपड़ा वगैरह लगना है, इसे साफ हो रही है, उसके बाद जी चलते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप पहुंच गए यार, तो अभी इसके रिम खुलवाते हैं, इनको रिफ्रेश करवाते हैं। पेंट जो है वो मैंने लेके दे दिया था, अभी इनको खुलवा के इनको रिफ्रेश करवाते हैं, जो भी इन पे निशान वगैरह थे ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए ताकि ये रिम नीट हो जाए, फिर ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये जी हमारे उस्ताद मोहतरम इजाज साहब। इजाज भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है इजाज भाई, ये क्या हाल है? अभी पेंट करवाया है, दोबारा इसका पेंट खराब हो गया। ये देखिए ना, ये इस पे है क्रोम, ठीक है, क्रोम पे आपको पता है वैसे भी पेंट नहीं खराब है, देखो ठीक है, ये पहले पेंट हुआ था, ये देखो ये नहीं उतरा। हाँ ये ठीक है, ठीक है। अब इसका हल ये करेंगे, इस पे अच्छे तरीके से रेक मार लगाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से रेक मार लगा के इस पे अस्तर वगैरह लगा के फिर पेंट करेंगे, इंशाल्लाह फिर नहीं उतरेगा। शाइन शाइन आनी चाहिए, जो निशान है ये वाले ये खत्म हो जाएंगे, ये सारे ये वाले जो है ना, हाँ ये खत्म हो जाएगी। इस पे हल्की फुल्की पुटीन लगेगी वो लगा के, ठीक है, अस्तर लगा के अच्छे तरीके रेक मार लगा के लगाएंगे, इंशाल्लाह ये फिर नहीं उतरेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे ये कैसे होगा, ठीक है। देख रहे हैं जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, खैर रिमो को जो रेक मार लग गया अभी ये सूख रहे हैं, इसके बाद टेपिंग होगी, टेपिंग होके उसके बाद पेंट होंगे, अभी दो हो रहे हैं, दो हो चुके हैं। रेग मार जो है वो लग चुका है और पेपर जो है हो गए हैं, रिम टायर बचाने के लिए हमें पेपर करने पड़े हैं, और अभी शुरू करते हैं जी पेंट। उस्ताद जी आ रहे हैं, इनको करते हैं जी पेंट, फिर देखते हैं जी कैसी लुक आती है। ये रिम जो है वो पेंट हो चुका है, लेकिन ये अभी आपको लग रहा होगा कि डल है, लेकिन अभी इस पर लैकर लगना है, लैकर लगेगा उसके बाद इसकी शाइन आएगी, अभी पेंट होंगे सारे, उसके बाद जो है वो इस पर लैकर लगेगा, फिर ये कुछ टाइम धूप में रखेंगे, उसके बाद ये सूखेंगे, सूख के फिर भी इनकी आएगी शाइन, जिसकी वजह से हमने इनको करवाया रिपेंट। देखते हैं जी क्या बनता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है यार, ये हमारी गाड़ी खुल गई है। जी माजिद भाई पेंट हो गए? माजिद भाई पेंट हो गए, पहले इस पे अस्तर लगाया। अच्छा लगा के रंग लगाया, ठीक है समझ गया।
इसका रंग लगाने के बाद अब इस पर लकड़ लगा रहे हैं। लकड़ लगाने का मकसद ये शाइन आएगा। अब यहाँ ये देखें कि यहाँ पे शाइन है, यहाँ पे शाइन नहीं है। अब यहाँ पे शाइन आएगी, अभी देखना आप लगाओ। ये देखें अब यहाँ पे शाइन है, अब यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने दो कोड लगाया, यहाँ पे एक कोड लगाया। अभी ये भी फाइनल करते हैं इंशाल्लाह, बाकी ये फाइनल करके फिर भी दिखाएंगे। लैकर लगाने से शाइन आती है, शाइन आती है हमारे भाई। अच्छा लैकर होना चाहिए ये, अब अच्छा लैकर है, अच्छा है इंशाल्लाह।